अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू निशीज़ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कद्दू गोश्त की सिंपल और आसान रेसिपी। ये सिंपल और आसान होने के साथ साथ बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होती है, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रेशर कुकर में तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल ले लिया है मैंने, और ऑयल हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। इसमें हम डाल देंगे कुछ साबुत खड़े मसाले, दो बड़ी इलायची, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा, दो बे लीव्स। चला देंगे हम इन्हें ताकि मसालों का फ्लेवर तेल में आ जाए। अब हम इसमें डाल देंगे दो मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे कि हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें लगातार चलाते हुए लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए, तो बस इससे ज़्यादा हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। तो यहाँ पे मैंने 750 ग्राम गोश्त लिया था, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। चला देंगे हम इन्हें। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम गोश्त को प्याज के साथ लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। तो गोश्त को मैंने प्याज के साथ 2-3 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और ये सारे मसाले, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। चला देंगे हम इन्हें। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है मैंने, और मीडियम फ्लेम पे हम गोश्त को मसालों के साथ कुछ देर तक भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी डालकर मसालों को गोश्त के साथ भून सकते हैं ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और ये देखिए, तो बस अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। ये थोड़ा सा पानी और ऐड किया है मैंने। मिक्स कर देंगे हम इन्हें अच्छी तरह। अब हम लीड लगाकर हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक कुक करेंगे और फिर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें 2 सीटी आने तक कुक करेंगे और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और कुकर के प्रेशर को हम नेचुरली रिलीज़ होने देंगे। यहाँ पे हमें गोश्त को अच्छी तरह गला लेना है। अगर आपने मटन लिया है तो 1 या 2 सीटी ही लगाएं। और ये देखिए, तो इसमें काफ़ी पानी है। इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और गोश्त को हम लगातार चलाते हुए खूब अच्छी तरह भूनेंगे। तो गोश्त को हमने लगातार चलाते हुए खूब अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इन्हें हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कद्दू। तो यहाँ पे मैंने 350 ग्राम कद्दू लिया है और इन्हें हमने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था। कद्दू को हम गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। मिक्स कर देंगे हम इन्हें। अब वापस से लीड लगाकर हम इन्हें हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक कुक करेंगे और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर के प्रेशर को हम नेचुरली रिलीज़ होने देंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ कद्दू को गलाना है। तो कद्दू गोश्त बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे आप नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब हम इसे गार्निश करेंगे हरी मिर्च और कटे हुए हरे धनिए से। मिक्स कर देंगे हम इन्हें। तो हमारी कद्दू गोश्त बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही जायकेदार कद्दू गोश्त बनकर तैयार हुई है। आप इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।